से भीषण सर्दी में इस तरह के गरीबों के लिए कंबल वितरण का काम वास्तव में काफी पुण्य का काम है, जिसमें गरीबों को बहुत राहत मिल जाती है। उक्त विचार कौन से क्षेत्र में ग्राम चांदनी में कंबल वितरण करते हुए जिले के सीएडी प्रशासन कुमार श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इतना अच्छा नव वर्ष का पहला दिन जिसमें मुझे यह कार्य करने को मिल रहा है। उन्होंने यह कहा कि व्यवस्था एक अच्छी परंपरा है। दौरान विशिष्ट अतिथि कौच एसडीएम अशोक कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि इस ठंडे मौसम से हम आदमी परेशान है। उन्होंने कहा कि इस भीषण ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरण का जो काम किया जा रहा है वह सराहनीय कदम है। उन्हें कहा कि अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है जो कंबल से वंचित रह गया है वह मुझे अवगत कराए। 3000 साधु संतों को कंबल वितरण किया जाता है। वो बाहर से आते हैं लोग बाग, दिल्ली कलकत्ता महाराष्ट्र के सदस्य हैं, बाहर से आते हैं। इसके बाद वहाँ तैरिए, इधर ना कोहरा पड़ता है ना पानी बरसता है ना कुछ। सौभाग्य है कि जो आंचलिक मिला 3 दिवसीय चल रहा है, इसके समापन समारोह के अवसर पर मैं उपस्थित हूँ। आज के दिन भंडारे का भी आयोजन है और इस शीत ऋतु में जो गरीब असहाय है उनको कंबल वितरण का कार्य किया गया है, तो निश्चित रूप से बहुत प्रशंसनीय कार्य है और बड़ा ही सुखद अनुभव है। आज वर्ष का पहला दिन है, प्रारंभ का दिन है और इतने पुण्य कार्य में मैं भागीदार बन सका, ये बहुत ही सुखद संयोग है। तो सर मैं आज प्रशासन की तरफ से कंबल वगैरह वितरण भी यहाँ हुआ है। हाँ जी हाँ, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कंबल वितरण का भी कार्य किया गया है, जो गरीब और असहाय लोग हैं। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन